नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंदर, एक कदम शिक्षा की ओर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, इस वीडियो में हम 10th क्लास का मैथ करने वाले हैं और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 2.2 चल रही है, ठीक है ना। और अब हमने अपना टाइम टेबल भी निश्चित कर दिया है। जो हमारी 9th क्लास की जो मैथ की क्लास होती है वो होती है हमारी 9 बजे, ठीक है ना। आपको 9 बजे जरूर एक वीडियो मिल जाएगा और जो 10वीं का जो वीडियो मिलता है आपको मिलता है रोज़ाना 10 बजे, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे नए हैं और वो मैथ की क्लास लेना चाहते हैं, कोचिंग क्लास जो भी है, बिल्कुल फ्री है आपके लिए, इसका कोई चार्ज नहीं है इस समय पर। तो आप फ्री हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन को दबा कर आप फ्री क्लास ले सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल इस आज के लिए सूचना थी और थोड़ी सी और बात बतानी थी। देखिए, इससे पहले मैंने एक सवाल कराया था 2.2 का पहला सवाल, इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है ना। तो वो मैं वहाँ कहना भूल गया, वो सवाल पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। वो पेपर में ज़रूर आता है और कम से कम वो 2 से 3 नंबर का सवाल आता है, 2 नंबर का सवाल आता है कम से कम, वो 2 से 3, ठीक है ना। और ये सवाल भी आता है एग्ज़ाम के अंदर, 1 नंबर का सवाल आता है ये लगभग। तो ये भी वो सवाल इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपना पहला सवाल करते हैं। देखिए, सवाल क्या है, दीर्घात बहुपद ज्ञात कीजिए। 2.2 में दो ही सवाल हैं, पहला और ये दूसरा, ये लास्ट सवाल है 2.2 का। इसके बाद 2.3 चलेगी, ठीक है ना। उसके अंदर पहले मैं कल की वीडियो में मैं आपको बेस बताऊंगा कि 2.3 कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो पहले बेस आना चाहिए, उसके बाद एक्सरसाइज होगी, तो मैं आपको पहले बेस बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए, ये सवाल बहुत ही आसान है, दीर्घात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए, ये दीर्घात बहुपद ज्ञात करनी है हमको, जिसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल नीचे दिया हुआ है। देखिए, ये शून्यांकों का योगफल दे रखा है अल्फा बीटा, और ये, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल दे रखा है, और ये दे रखा है गुणनफल, ठीक है ना। ये दे रखा है योगफल, ये दे रखा है गुणनफल, इंग्लिश में बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और इंग्लिश में गुणनफल को बोलते हैं अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो योगफल को अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल को अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे लिख लेंगे पहले। देखिए, पहला सवाल करा रहा हूँ, शून्यांकों का योगफल। तो पहले योगफल दे रखा है 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, माइनस का 1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, दीर्घात बहुपद निकालना है। यहाँ लिखेंगे दीर्घात बहुपद, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है, और शून्यांकों का योगफल एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ साइड में इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, ये इंग्लिश में हो गया। तो आपकी मर्जी, आप ऐसा भी लगा सकते हैं। तो देखिए, एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया। अब हम क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल कितना, 1/4 गुणा में क्या दे रखा है, एक्स प्लस का चिन्ह, शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है, माइनस का 1, ठीक है। अभी देखते हैं, देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4x, अब माइनस प्लस माइनस आपका 1 आ गया, ठीक है ना। इस तरफ 0 लेके चलेंगे, ठीक है ना, 0 नहीं तो आप ऐसे ले लीजिए। अब हमारा ये आ गया, हाँ जी, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए, इसके नीचे 1 ले लीजिए, इसके नीचे 1 ले लीजिए, सारे का एलसीएम लेंगे हम, नीचे का 4 आ गया, 1 से 4 को भाग किया, ठीक है, तो 4 बार गया तो ऊपर गुणा कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 से भाग किया 1 बार गया ऊपर गुणा कर लेंगे, 1 एकम 1x, ठीक है ना। ऐसे करके 1 से भाग किया, 4 बार गया, 4 एकम 4, ठीक है ना। तो आपका ये आ गया, तो हम इसको ऐसे करके काट देंगे, तो आपकी जो बहुपद निकल के आएगी, वो आपकी बहुपद ये निकल के आएगी। तो मेरे हिसाब से सवाल समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फटाफट। देखिए,
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए रूट दो दे रखा है योगफल, ठीक है, और एक बट्टा तीन दे रखा है, यहाँ पे मान धर लूँगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट दो, ये आगे एक्स इसके पीछे ही, प्लस एक बट्टा तीन, फिर एलसीएम ले लूँगा इसका, या फिर आगे आगे गुणा कर लो डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे में जैसे कि गुणा इसमें कर लीजिए, थ्री एक्स स्क्वायर और तीन रूट दो एक्स और प्लस का एक, ठीक है ना, ऐसे गुणा कर लीजिए, इसको रहने दीजिए ऐसे ही। आ गया होगा सवाल समझ में, आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल और कर लेते हैं इसी प्रकार से। देखिए आगे क्या क्या रखा है, तीसरा सवाल जीरो और ये रूट पाँच, ठीक है, एक्स स्क्वायर जीरो, ये पीछे से आपका मल्टीप्लाई में एक्स आ गया, और गुणनफल कितना दे रखा है रूट पाँच, देखिए ये तो जीरो हो गया, इसको रहने दीजिए, खाली आपका रू ये आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ पर ये बन जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, देखिए एक एक दे रखा है, एक्स स्क्वायर योगफल की जगह पर योगफल गुणा में एक्स और प्लस का एक, ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का एक, ठीक है, ये आपका आ गया, तो ये आपका चौथा सवाल हो गया। पांचवा सवाल करते हैं, पांचवे सवाल पे आ जाते हैं, देखिए पांचवे सवाल पे आ जाते हैं, देखिए क्या दे रखा है, माइनस का एक बट्टा चार और एक बट्टा चार दे रखा है, वही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक बट्टा चार इंटू का एक्स और ये योगफल दे रखा है एक बट्टा चार, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर एक्स बट्टा चार और ये एक बट्टा चार, देखिए दोनों का एलसीएम एक ही आएगा चार, तो ऐसे कर लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, चार आ गया, इसके नीचे एक मान लीजिए, एक चुके चार चार बार गया, ऊपर चार का एक्स स्क्वायर, चार एकम चार एक आया, एक के ऊपर गुणा एक एक्स का एकम एक, चार एकम चार एक बार गया, एक एकम एक, इसको काट दीजिए, ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर छः, देखिए योगफल चार और ये एक दे रखा है, ठीक है ना, तो ऐसे करेंगे, योगफल कितना आ गया हमारा चार, इधर से एक्स आ गया और प्लस का एक, ये तो ऐसे बन गया, ठीक है ना, तो ये आपका ये सवाल थे। और यहाँ पे हम सीखेंगे एक सवाल, एक चीज़ और बता देता हूँ थोड़ा सा, देखिए ऐसा होता है पेपर में कभी कभी क्या करता है, वो शून्य अंकों का योगफल और गुणनफल नहीं देता, वो खाली क्या देता है, ये शून्यांक है, ठीक है ना, क्या दे रखे हैं, खाली शून्यांक दे रखे हैं, ठीक है ना, तो बहुपद बनाओ, तो क्या करोगे आप, पहले शून्य अंकों का योगफल निकालोगे, फिर गुणनफल निकालोगे, फिर समीकरण में धर देंगे, ठीक है ना, अगर खाली उसने क्या बोला हुआ है, शून्यांक बोला हुआ है, शून्यांक बोला हुआ है, तो उसका गुणनफल निकालो, उसके योगफल निकालो, फिर इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा, और डायरेक्ट दे रखा है तो ऐसे कैसे लिख के उसे रख दो, ठीक है ना, तो इसके अंदर यह है। और वीडियो को शेयर जरूर करें, इसे ना भूलें, ताकि औरों की भी सहायता हो जाए, ठीक है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।